हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ फ्री डिजाइन। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं टोयोटा वैगनार के बारे में। हाँ, ये काफ़ी दिनों से, यहाँ पे 2-3 दिनों से टोयोटा वैगनार की न्यूज़ बहुत ही वायरल हो रही है। और ऑफ कोर्स टोयोटा अपने वैगनार को यहाँ पे इंडिया में लॉन्च करने जा रहा है, और उसको टेस्टिंग के दौरान उसकी जो फ़ोटोज़ है, उसकी जो स्पाइस फ़ोटोज़ जो भी जो वायरल हो चुके हैं। और आप देखिए तो टोयोटा वैगनार की जो डिज़ाइन फ्रंट से तो काफ़ी चेंज कर दी है टोयोटा ने। बेसिकली टोयोटा कभी भी इतनी बड़ी चेंजेस नहीं करता, यहाँ पे उन्होंने पूरा फ्रंट ही चेंज कर दिया है। आप देखें तो वैगनार से फ्रंट से अगर आप देखेंगे तो आप शायद नहीं लगेगा कि ये वैगनार है, बट साइड से देखें या फिर बैक से देखें तो टोटली वैगनार ही है। बट हम बात करें फ्रंट की डिज़ाइन की, तो फ्रंट की डिज़ाइन उतनी भी अट्रैक्टिव नहीं है। पहले तो हम बात करें ये जो ईवी आने वाली है या फिर इंजन ऑप्शन आने वाली, उसका तो अभी तक कोई भी स्पेसिफाई रीज़न नहीं मिला कि ये ईवी में होगी या फिर इंजन ऑप्शन के साथ मिलने वाली है। बिकॉज कोई कोई पोस्ट में कहा जा रहा है कि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, बट कोई पोस्ट में यहाँ पे कोई वीडियोज़ में यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये इंजन ऑप्शन के साथ आने वाली, तो ये क्लेरिफाई नहीं हुआ कि ये किसके मतलब इंजन ऑप्शन के साथ आएगी या फिर जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है उसमें आएगी। बट अगर मेरा ओपिनियन है कि ये जो अगर आगे इंजन ऑप्शन के साथ, तो 100% ये इंडियन मार्केट में शायद उतनी अट्रैक्टिव और जो वैगनार की सेलिंग हो रही है अभी मारुति की, तो उस तरह की सेलिंग शायद टोयोटा वैगनार नहीं करने वाली। स्पेसिफाइज का जो नाम भी टोयोटा वैगनार रहेगा या फिर नहीं रहेगा तो उसके बारे में भी मुझे नहीं पता, और जब पता चलेगा तो हम उस पर एक सेपरेट न्यू रीडिज़ाइन मॉडिफिकेशन वाली वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम उसके बारे में पूरा बता देंगे। सो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक ऑप्शन के साथ ये लॉन्च होती है तो 110% ये लंबा टिक जाएगी ये गाड़ी, बिकॉज इंडिया में कोई भी इलेक्ट्रिक हैचबैक नहीं है, और ये फर्स्ट अगर इलेक्ट्रिक ऑप्शन के साथ यहाँ पे लॉन्च होती है तो वो ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक हैचबैक होने वाली है इंडिया की, और डेफिनेटली ये इलेक्ट्रिक ही होने वाली है। बिकॉज अगर आप देखें तो यहाँ पे उसकी एग्जॉस्ट की जो टेल एग्जॉस्ट की पाइप है वो यहाँ पे नहीं दिख रही, बट मैं उतना 110% में नहीं कह रहा, 100% तो मैं नहीं कह रहा, बट आई थिंक ये इलेक्ट्रिक गाड़ी होने वाली है, और अगर इलेक्ट्रिक है तो बहुत ही लंबा टिकी जाएगी ये गाड़ी। बिकॉज इलेक्ट्रिक के साथ उसकी डिज़ाइन परफेक्ट है, उतनी भी परफेक्ट नहीं, बट हाँ परफेक्ट है उसकी डिज़ाइन। अगर फ्रंट में देखें तो फ्रंट में यहाँ पे जो जो हेडलैम्प दिए गए हैं वो नीचे की तरफ आपको जैसे वेन्यू है और क्रेटा उस तरह की, मतलब नीचे की तरफ आपको जो अभी की जो ट्रेंडिंग डिज़ाइन है उस तरह की यहाँ पर दे रखी है, और यहाँ पर जो ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर जो कहते हैं ना DRS वाले जो लुक आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला। यहाँ पे आपके जो DRS अगर इस गाड़ी की जो हेडलैम्प्स में आगो फ्रंट की तरफ आपको दे दिया होते तो बहुत ही बढ़िया होता, बट इसमें नहीं दिए। यहाँ पे जो साइड इंडिकेटर्स है वो भी यहाँ जो DRS का जो पोर्शन होता है उसमें ही दे है, बट यहाँ पे DRS नहीं दिए गए, जो नॉर्मल हेलोजन लैम्प है वो ही आपको मिलने वाले। और नीचे की तरफ तो अगर फॉग लैम्प की बात करें तो फॉग लैम्प में भी नीचे जो ग्रिल है वो भी इतना अट्रैक्टिव नहीं है, बट उसकी जो रियर प्रोफाइल है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी चेंज हो चुकी है इस गाड़ी की जो रियर प्रोफाइल वो बहुत बढ़िया लगती है। बट ये डिज़ाइन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये इलेक्ट्रिक में ही आएगी। सो वो तो जाने देते हैं कि ये इस इलेक्ट्रिक ऑप्शन के साथ आएगी या फिर इंजन ऑप्शन के साथ आएगी। अगर इंजन ऑप्शन के साथ आएगी तो आई थिंक ये गाड़ी जो टोयोटा वैगनार है वो मारुति वैगनार की तरह तो नहीं बिकेगी, मतलब वो उतनी ज़्यादा उससे बेटर मारुति वैगनार की डिज़ाइन रखती है। बट हाँ, भी बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो दोनों की गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी वो सेम होने वाली है। अगर इंजन ऑप्शन मतलब इंजन में अगर आती है तो जो इंजन ऑप्शन है वो भी मारुति सुजुकी जो इंजन है वही आपको यहाँ पे मिलने वाला है, यहाँ पे आपको उसकी डिटेल्स दिख रही होगी। सो ये गाड़ी चाहे किसी भी ऑप्शन के साथ आए, चाहे वो आए इंजन ऑप्शन के साथ या फिर चाहे वो इलेक्ट्रिक गाड़ी ही क्यों ना आए, बट आज का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है तो मारुति सुजुकी वैगनार को एक इलेक्ट्रिक अवतार में डिज़ाइन करने का। तो चलिए आप एंजॉय कीजिए इस टाइम लैप्स को, मिलता हूँ।
Oh,